YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा जिला पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर उटारी थाना क्षेत्र से शुक्रवार की रात एक ट्रक अवैध विदेशी और देसी शराब को जब्त कर लिया गया। जब्त शराब की बाजार कीमत लगभग 12 लाख रुपए आंकी गई। बरामद शराब की खेप में बियर, बिस्की, रम और बोदका के अलावे देसी मसालेदार शराब तथा 8 बड़े बोरों में बंद भारी मात्रा में देसी शराब के पाउच भी शामिल है। बरामदगी के संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान गढ़वा जिला पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अरसी ने बताया कि नगर उटारी क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार की लगातार सूचना मिल रही थी और गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए चेचरिया पुल के समीप रहने वाला छोटू रंजन प्रसाद की किराना दुकान और उसके निवास गृह पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी और देसी शराब बरामद की गई। सूचना मिल रही थी कि नगर उटारी क्षेत्र में, स्पेशली नगर उटारी बाजार में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। तो इसमें इसी क्रम में दिनांक 25-26 को देर रात में सूचना मिली कि अभी भी किसी घर या दुकान में से अवैध रूप से इसकी सेल की जा रही है। सूचना के आधार पे SDPO नगर उटारी, थाना प्रभारी नगर उटारी और यहाँ पे जो मौजूद पुलिस टीम है उन सबको ले